हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 2 बीकॉम ऑनर्स का आज हम सिलेबस देखने वाले हैं। साथ यह भी देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को डिटेल में मिलने वाली, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग कॉमन कोर्सेज के भी बारे में बता रखा, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग यूजी सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्सेज पेपर 1 में MIL हिंदी पढ़ेंगे, बट यूजी सेमेस्टर 2 में आप लोग का कॉमन कोर्सेज MIL हिंदी के स्थान पर आप लोग को पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके, इसलिए आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस की ओर चलते हैं, इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। अगर बात की जाए तो आप लोग को फाइनल एग्जाम कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग जो फाइनल एग्जाम होगा फुल मार्क्स 75 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और 25 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा इंटरनल एग्जाम होता है, जिसके आप लोग को पता होगा। तो फाइनल एग्जाम आपको आप लोग का जो है 75 नंबर का होगा, ठीक है, और 25 नंबर आपके कॉलेज के स्तर पर इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार फाइनल एग्जाम मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर। तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस की ओर चलते हैं। तो आप लोग का यूजी सेमेस्टर 2, ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर 2 में आप लोग अपना मेजर पेपर 2, ठीक है, मेजर पेपर 2 का आपका पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम उसी का सिलेबस को देखने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए यूनिट 1 में आपका क्या है इस चीज़ को देखते हैं। यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हुआ कि व्यावसायिक संगठन। अब इसमें क्या पढ़ना, इसका मीनिंग जानना यानी कि इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन जो होता है उसके लक्षण क्या है, इसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या, और इसके क्या उद्देश्य है, और इसके विषय वस्तु क्या, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण यानी कि व्यावसायिक संगठन का भी बहुत से प्रकार होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब व्यापार संगठन का विकास, ठीक है, इस्टाब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस यूनिट यानी कि एक नई व्यावसायिक इकाई की स्थापना। जब कभी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्थापना करते हैं, इसके आप लोग को पढ़ना है फीचर्स ऑफ प्लांट, ठीक है, और इसके पढ़ना लोकेशन, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्लांट चुनते हैं, इसके एक लोकेशन को चुनते हैं। प्लांट लेआउट एंड साइज ऑफ बिजनेस यूनिट यानी कि एक बिजनेस का क्या आकार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अपना यूनिट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आप लोग अपना नेचर एंड पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना आप लोग का कि आयोजन की प्रकृति एवं इसका क्या उद्देश्य, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से क्या उद्देश्य होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसका आयोजन का पर्पज क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि व्यावसायिक यानी कि ये हुआ कि आपका संगठन संरचना किस प्रकार, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक और अनौपचारिक समूह संगठन, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, तो लाइन रेखा और ये मतलब ये हो गया स्टाफ अथॉरिटी, ठीक है, और डिपार्टमेंटेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में नियंत्रण का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और डिपार्टमेंटेशन मतलब ये हो गया कि प्राधिकरण विभाग, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में आप लोग अपना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 12 में भी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना कि प्रमोशन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी का पदोन्नति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पदोन्नति के क्या चरण होता है, स्टेज ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट है प्रमोटर, प्रमोटर का हिंदी होता है प्रवर्तक, ठीक है, इसका प्रवर्तक के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना, क्या इसका कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। फ्यूचर्स एंड फंक्शन, प्रिपरेशन ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, ठीक है, और प्रमोशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड इट्स क्लाउजेज एंड कंटेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एक आर्टिकल होता है कंपनी के नियम अधिनियम 2013, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। अब मेमोरेंडम मतलब ये होता है पार्षद सीमा नियम, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना आपको, इसका अर्थ जानना है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
और इसके क्या अर्थ होते हैं, विशेषता इसका क्या उद्देश्य होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद अंतरनियम, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब हो जाता है परविवरण इसका हिंदी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कंपनी के जो नियम होते हैं, आर्टिकल जो होता है और इसके एक्ट, कंपनी के अधिनियम 2013 के अनुसार जो भी नियम बनाए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। स्टॉक कंपनी प्रमोशन, कंपनी स्टेग ऑफ प्रमोशन और पदोन्नति के क्या चरण होते हैं, प्रमोटर मतलब होता है प्रवर्तक, ठीक है। अब प्रवर्तक की क्या विशेषताएं होते हैं, क्या इसका कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। और अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप लोग अपना मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि प्रबंधन, ठीक है, इसके क्या कंसेप्ट है, इसके अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फीचर्स, फेयल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक हेनरी फेयल्स होता है, हेनरी फेयल्स का 14 सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मैनेजमेंट के क्या क्षेत्र होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती, फेयल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब फेयल्स का पूरा नाम है हेनरी फेयल्स, ठीक है। इसके 14 सिद्धांत, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के क्या काज होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और रिलेवेंस टूडे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को यहाँ पे मतलब एक बना कि प्रबंधन है, प्रबंधन के बारे में इसका अवधारणा हो गया, इसकी सुविधाएँ हो गया, फेल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत है, क्या प्रबंधन के काज होते हैं और प्रबंधन के स्तर पर आपको पढ़ना, प्रबंधन के कौशल, वैज्ञानिक प्रबंधन। अब वैज्ञानिक प्रबंधन में जो आपको यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें अपना इसका मीनिंग अर्थ जानना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जानना है, ठीक है, इसके तत्व जो भी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आप लोग अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के कार्य के रूप में, ठीक है, यूनिट 5। तो चलिए इसका देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इसमें, यानी कि प्रबंधन के कार्य हो गए, ठीक है। प्लानिंग किसी भी उद्योगी का स्थापना करने के लिए, व्यवसाय करने से प्लानिंग होना चाहिए। मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, इसके विशेषताएं अपना। टाइप ऑफ प्लान यानी कि प्लान के बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है। अप्रोच ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे MBO कहा जाता है। एडवांटेज एंड वीकनेस ऑफ MBO, MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोड्यूसर्स फॉरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब ये हुआ इसका मतलब कि प्रबंधन के काज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसकी क्या योजना होता है, ठीक है, अब इसके प्रकार जाना, योजना के दृष्टिकोण जाना, इसके क्या उद्देश्य होता है प्रबंधन के, प्रबंधन योजना के MBO सिद्धांत क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी क्या कमजोरियां हैं, योजना की प्रक्रिया क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस नीति प्रक्रिया पूर्वानुमान और निर्णय प्रबंधन, ये हुआ इसका पूरा हिंदी यूनिट नंबर 5 का, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को अपना एडवांस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि उन्नत कार्य बनाना किसी भी प्रबंधक को, ठीक है, प्रबंधन को। तो आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस इसका, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग दीज बैरियर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी प्रबंधन के उन्नत कार्य को बनाने के लिए इसके संचार होनी चाहिए, महत्व इसका क्या प्रक्रिया, संचार के क्या तरीके होते हैं और इसके औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बारे में पढ़ना, प्रभावी संचार में क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को काबू कैसे पाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोटिवेशन होता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मीनिंग जानना है, इसके क्या महत्व है, मेजर मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ना इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है मास्लो का थ्योरी, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत होता है, ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हर्ज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है रूम्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बनता है लीडरशिप के बारे में, ठीक है, लीडरशिप के क्या मीनिंग होते हैं, इसके क्या थ्योरीज, इसेंशियल क्वालिटीज, ग्लोबल लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, मतलब ये हुआ कि नेतृत्व का क्या अर्थ है, इसके क्या सिद्धांत आवश्यक है, इसके गुण क्या, वैश्विक गुण, वैश्विक नेतृत्व गुण। तो इस प्रकार आप लोगों को टोटल यूनिट नंबर 6 तक पढ़ना है। तो ये आप लोग पूरा सिलेबस मेजर पेपर 2 का,
ठीक है, प्रबंधन के कार्य जो भी आपका सिलेबस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सिलेबस की ओर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न की ओर देखते हैं क्या है। एग्जाम पैटर्न में आपके किस टाइप के प्रश्न किसने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। ये तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। आप लोग का फुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा एक्सटर्नल में 75 नंबर का, इसके लिए पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया 30, ठीक है। आपको 75 में से 30 नंबर लाना है, यानी कि 40%, ठीक है। अब एग्जाम किस टाइप में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भाग में बटा होगा। ग्रुप ए में आपको 1 ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे आपको 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहने वाला है, और यहाँ पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। कौन सा सत्य है और असत्य, ये आपको बताना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इस टाइप में, और 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे 8 नंबर कंप्लीट होता है, तो 8 और 7 15 नंबर कंप्लीट होता है, बचा 60 नंबर। अब 60 में से आपको जो 60 में से आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है 4 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन 2 नंबर से 8 नंबर तक सॉल्व करना है, जिनमें से यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 60 नंबर यहाँ से क्लियर होता है, और 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, 100 टाइप के प्रश्न, तो मिलाकर 75 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IRC पेपर 2 के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।